गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। खेल से आता है जीवन में अनुशासन, अलकनाथ पांडे। 24 सदस्यीय गढ़वा जिला टेबल टेनिस टीम हजारीबाग रवाना। हजारीबाग में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने जाते खिलाड़ियों को शुभकामना देकर रवाना करते संघ के संरक्षक अलकनाथ पांडे एवं पदाधिकारी। गढ़वा हजारीबाग में शुक्रवार से आयोजित प्रथम झारखंड स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गढ़वा जिला के 24 सदस्यीय टीम गुरुवार को शक्तिपुंज एक्सप्रेस से रवाना हो गई। इस मौके पर संघ के संरक्षक अलकनाथ पांडे ने प्रतियोगिता में भाग लेने जाने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जिले के लिए स्पेशल हैं, जो जिले का प्रतिनिधित्व टेबल टेनिस के खेल में करने जा रही हैं। खेल अनुशासन सिखाता है, जो पूरी जिंदगी में अनुशासित रहना सिखाता है। सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलते हुए अपनी जीत के लिए पूरे जोर लगा देंगे। खेल के दौरान जीत और हार से जो खिलाड़ी सीखने का प्रयास करते हैं, वही सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं। 24 सदस्य टीम में अमल कुमार ठाकुर, अमन कुमार पाल, अनिमेश कुमार पांडे, कार्तिक पाल, नितेश कुमार मेहता, हर्षित कुमार पांडे, सचिन कुमार, रोहन पाल, उज्जवल कुमार, पलक भारती, वृद्धि सिंह, अंजलि कुमारी, आयुषी कुमारी, आयुषी कुमारी पांडे, अभिजीत यादव, अशिता प्रियदर्शनी, रोशन कुमार पाल, अनिल कुमार मेहता, मानवी चौबे, ऋषु तिवारी और शिवम कुमार पटेल को शामिल किया गया है। टीम का कोच संघ के कार्यकारी सदस्य अजय कुमार ठाकुर को बनाया गया है। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष धनंजय सिंह, सचिव आनंद सिन्हा, सह सचिव प्रिंस सोनी, संघ के कोषाध्यक्ष सह कोच कमलेश कुमार तुबे, सदस्य आशुतोष रंजन, पंकज कुमार सोनी, मनोज पाठक, मिथिलेश कुमार सिंह, रजनीश कुमार, विकास प्रवीण शुक्ला, दुर्गेश कुमार दुबे, जयदेव पाल सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। खेल का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन परेशानी होती है कि पूरा संसाधन नहीं है, पूरा फर्स्ट टाइम जा रही है वही पूरी बार जा रही हो पहली बार नहीं जीत कराना है एकदम बहुत पसंद है तो चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो हर खेल को खेलना चाहिए बच्चे को। टेबल टेनिस का क्षेत्र पूरी तरह से खाली क्षेत्र हम आज के अवसर पर जरूर कहेंगे चाहे आनंद सिन्हा जी हो कमलेश दुबे जी हो प्रिंस सोनी हो और इनके अध्यक्ष मदन जी हो सब लोग मिलकर और पूरे टीम के लोग जैसे अजय जी जैसे जो अभिभावक लोग थे ये लोग पूरा सपोर्ट किए ताकि टेबल टेनिस का गढ़वा में विस्तार हो। आप ये देखते हैं कि गढ़वा की जो स्थिति है कि खेल के प्रति न सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है न ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेस्ट रहता है कि खेल को आगे बढ़ाने इसमें हमको कहने में कोई चक नहीं। अब उसको हम लोग क्या किए कि अपने से एकदम मिनिमम संसाधन से इसकी शुरुआत हम लोग किए कि यह खेल थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ के बच्चों बच्चियों का जरूर तारीफ करेंगे और यहाँ के मिडिल क्लास अभिभावक हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपर क्लास के जो पेरेंट हैं अभी भी उनका रुझान टेबल टेनिस के प्रति नहीं बढ़ा है, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन जो मिडिल क्लास अभिभावक हमारे हैं इन सबके सहयोग से आज टेबल टेनिस इस मुकाम पर पहुँचा है कि पूरे झारखंड में हमारा दूसरा स्थान है। मोटा मोटी हम लोग पहली लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन यह दूसरा स्थान है पूरे झारखंड में गढ़वा जिले और यहाँ के जो बच्चे बच्चे और अभिभावक के बल से संभव है। अगर थोड़ी और सुविधा दे दी जाए तो हमको लगता है कि हम लोग अभी जो 16 नेशनल खेल रहे हैं हम लोग नेशनल जीत के आ सकते हैं और जो मेरा व्यक्तिगत सपना है जो टीम का सपना है जो लोगों का सपना है कि आने वाला जो ओलंपिक भारत में होगा उसमें टेबल टेनिस का प्लेयर गढ़वा जिले का वो रिप्रेजेंट करे। हम लोगों का मिशन वही है, हम लोग वहीं काम कर रहे हैं। आप सब भी काफ़ी सहयोग करते हैं, आज प्रायः देखा जाता है कि जब भी टेबल टेनिस की बात हो तो प्रेस के साथ ही जरूर रहते हैं। हम यह जरूर उम्मीद करेंगे कि आज जो टीम जा रही है हजारीबाग ये लोग अच्छा करके आएगी और फिर से जो सालों भर हम लोग लगे रहते हैं इसको आगे बढ़ाने में उसमें लोग हम अच्छा इस बार देखिए दो उपलब्धि है। एक तो यहाँ के जो दिलीप कुमार जी डीओपी हैं उनकी तारीफ करना आज के अवसर पर जरूर उचित समझेंगे। उन्होंने हम लोगों को जगह दिया कि यहाँ टेबल टेनिस को खिला सकते हैं। दूसरी उपलब्धि है इस बार स्टेट चैंपियनशिप फिर से हमको मिला तो हम लोग उसको भी बड़ी तैयारी के साथ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वह स्टेट चैंपियनशिप में गढ़वा जिला ये स्टेट में एक नंबर प्राप्त कर सके इस प्रयास के साथ हम लोग।
और संभवतः सितंबर या अक्टूबर में हमको मिलेगी। उसी के क्रम में आज हजारीबाग में फर्स्ट रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू हुई, तीन रैंकिंग के बाद जो है स्टेट होता है वो अभी शुरू हुआ पहला, और उसके बाद तीन रैंक के बाद गढ़वा में होगा। हम लोग उसको फिर से सफल करेंगे। लोग गढ़वा का टूर्नामेंट जो याद रखते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ लोगों को सुविधा मिलता रहा है, तो हम चाहेंगे कि इस बार भी गढ़वा कुछ करेगा। और जो नेशनल खेलने जा रहे हैं लगातार जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, इस बार हमारे पास जो समझ के प्रयोग से 8 खिलाड़ी नया मिले, तो लगातार हमारा जो खिलाड़ियों का रुतबा है वो लगातार बढ़ रहा है। और हमको लगता है कि जो हम लोगों ने सपना देखा ओलंपिक खेलने का, वो हम सपना पूरा करेंगे, हमारे बच्चे सपना पूरे। तो हो सकता है कि बच्चे ये ना करें, लेकिन क्या आने वाले इनके मेहनत से इनके बदौलत आगे हम जरूर प्रयास करेंगे कि यहाँ से बेहतर हो। और जैसा सर ने बताया कि अभिभावक का इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। हमको अफसोस होता है कि जब से इस 4 साल में जो है कभी अभी लड़कों का जो छात्रवृत्ति है स्कॉलरशिप मिलता है, ये सरकार में अभी तक बच्चों को नहीं मिल पाया। अगर स्कॉलरशिप मिलता तो बच्चे काफ़ी उससे आगे बढ़ते, 36,000 रुपये सालाना मिलता है, अभी तक 4 साल से नहीं मिला। हमारे 10-12 बच्चे उससे बच्चे अगर उनको पैसा मिल जाएगा तो उनको संसाधन अपना खुद से बना सकते हैं, अपना बैट ले सकते हैं, अपना बॉल ले सकते हैं। एक एक बैट 15-20 हज़ार के बच्चे आते हैं। हमारा जो बच्चे खेलने जाते हैं नेशनल में मैट पर खेलना होता है, हमारे पास संसाधन होते हैं, हम मैट पर नहीं खेल पाते, हम फर्श पर खेलते हैं, वहाँ मैट मिलता है, हम जो हार करते हैं। तो ये सब कमी है हमारे यहाँ, अगर सब सुविधा मिले तो हमारे बच्चे जरूर खत्म करेंगे। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर चीनिया रोड नाहर चौक कड़वा, यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चे दानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।